रमजान आउधु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रौनक रमजान के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद खवतिनो हजरात आज पाकिस्तान में 21 रमजान मुबारक का आगाज सहर का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं 21 रमजान मुसलमानों की तारीख का बहुत अहम दिन आज योम शहादत हज़रत अली करमल्ला वजह पर यह ख़ास प्रोग्राम इस मौजुआ पर पे हम पेश कर रहे हैं आपकी ख़िदमत में ख़वान वजरात सरकारी दो आलम सल्ला वसलम का फरमान है कि अना किन्ना व अली उन बाबुहा मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है मनकुन तुम मौला हो फहाज़ा अली मौला सरकार वसलम ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला ख़िनत रसूल करीम सल्लासम ने फरमाया कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखरत में भी मेरे भाई हो जब मवाखात होता है होती है तो सरकार दो वसलम हज़रत अली करमल वजह को अपना भाई बनाते हैं खातन हजरात शुजात सखावत जकावत इल्म तकवा जोहद जोदा कौन सा ऐसा रंग नहीं है जो हमें हजरत अली करमल्ला वजह की शख्सियत में नजर नहीं आता खातिन आज ये खसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं मौजू है शहादत हजरत अली करमल्ला वजह हमारे पास स्टूडियोज़ में दो बहुत अहम शख्सियात बहुत पाए के आलम तशीफ़ फरमा हैं जिनसे हम सीखेंगे और समझेंगे हज़रत अली के तल्ल से हम बात करेंगे कि सरकार दो आलम सल्ह वसलम को हज़रत अली करमल वजह से क्या नस्बत हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हज़रतली करमल वजह और कुरान करीम का आपस में क्या तल्लु ख़ुतिन वजरा फ़जाए जानने की कोशिश करेंगे और हमें मालूम है कि हम खाक हैं लेकिन हम अगर उस हजरत अली करमल वजह पर अमल करें तो यही खाक आसमान बन सकती है तशीफ फरमा है मोहतरम अजगर हुसैन शहीदी साहब मुमताज़ आलम दीन खाविन हजरा फारकहसील प्रोग्राम्स पर तशरीफ लाते हैं हमारे और हम हमेशा सीखते हैं आपके साथ तशीफ फर्मा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब हमारे मुल्क का बहुत जाना माना पहचाना नाम सब आपसे वाकिफ ख़वातन हजरात आप जानते हैं कि रौनक रमज़ान का आगाज़ होता है आयात रब्बानी की तिलावत से लाहौर में मंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अलरी साहब कुरान करीम की तिलावत से रौनक रमज़ान का आगाज़ होता है बहुत शुक्रिया अनिका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول نبلغا <applause> سبحان الله سبحان الله कारी साहब खन कारी खालिद उस्मान अलव अल हजरी साहब तलावत पाक की सदत हासिल कर रहे थे और ख़्तिन ने भी आज जो आयात मनतखब की सुबहानल्ला सोरे बकर आयात हैं एक सौ चौवन से एक सौ सत्तावन तक इन आयात का तर्जुमा पेश करने का शर्फ मैं हासिल करता हूँ और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी नस्बत यह ना कहना कि वो मरे हुए हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। और और हम किसी और भूख और, और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनुदी की बशारत सुना दो इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रस्ते पर है खत हजराजी मुसीबा आलू इन्ना ला है व इन्ना हजरात वक्त हमारे पास ब्रेक पे जाने के लिए से बहुत करीब है मैं चाहता हूं कि मुख्तसरन मैं बात शुरू करवाऊं लेकिन जहां बात रुकेगी दोबारा हम वहीं पहुंचेंगे असगर शहीदी साहब पहला सवाल आपकी खिदमत में आज का दिन बड़ा अहम दिन है आज का दिन हासिल करने का दिन है हज़रत अली करमल वजो की सीरत से हासिल करने का दिन ये बताइए कि हम फजाइल पे बयान कर, से बात शुरू करते हैं फ़जाइल से आगाज़ कीजिए बस्मीमदिल्ला <coughs> रबालमीन परवदगार का शुक्र है कि उसने ये तोफ़ी क़त फ़रमाई कि हमने माह मुबारक रमज़ान की शादतों से बेहरा हो रहे हैं आज की शब शब शहादत मौल मतकीान अमीरमी आलियाँ हैं उनके फ़जाइल में बहुत कुछ बयान किया गया है और सबसे बेहतरीन चीज़ वो कलमा है कि जो रसूल अकरम महमद मुस्तफ़ा सल्ला वलम की ज़बान मुबारक से हुआ है जिसकी आपने भी शरफ़ हासिल किया <स्थाथ> मन मनकुंता मौला फदाद अली मौला इसके अलावा हदीस में है कि जिसके लिए फरमाया कि अली तुम इल में सबसे ज़्यादा हो तुमसे से कोई बेहतरीन कज़ावत करने वाला तुमसे कोई बेहतरीन हुक्म सादर करने वाला तुमसे कोई बेहतरीन फैसला करने वाला नहीं है अमीरुल अमीरामुमिन को रसोल अक्रम ने क्योंकि खुद अज्वल जो है उनकी परवरिश की थी उनके इल्म रसूल अल्लाह से मुंतकिल हुआ अमीरुल अमीरमिन से तो कोई कमी या कोई चीज़ ऐसी कि जैसे हम कहें कि जैसे दूसरे एक आम इंसान में रह जाती है वो नहीं रह सकी इसलिए कि उनका मकतब उनका मदरसा अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला गोया हम ये भी कह सकते हैं कि हज़रत अली करमल वजह एक ऐसी इमारत जिसकी पहली ईंट सरकार वसम ने नस्ब की और पूरी इमारत आप ही के हाथों मुकम्मल हुई है शहीदी साहब गुप्तगु जहाँ रुक रही है शुरू वहीं से होगी खातिन हजरात चल रहे हैं ब्रेक की जानब जहाँ सिलसिला का ला हो रहा है वहीं से हम आगाज़ करेंगे एक छोटा सा ब्रेक वेलकम बैक खवातिन हजरत रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद तशी फरमाए मोहतरमा असगर हुसैन शहीदी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब आज इक्कीस रमज़ान है पाकिस्तान में ख़वान हजरात जैसा कि हम और आप जानते हैं और आज का दिन बहुत अहम दिन आज ये जो शब शहादत है इस हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं हजरत अली करमल्ला वजू की शहादत आज का मौजू आपके के फजाइल आपके कमालत और आज हम

अलामा साहब जहाँ बात रुकी थी आपकी वहीं से बात शुरू होगी हजरत अली अल्लाह फ़जाज़रतली करमल बसमल रनिम फ़ाइाइल की एक तवील फहरस्त है कि जो ओलाबा और मुसन्फिन ने तहरीर फरमाया है लेकिन अगर देखा जाए तारीख़ इस्लाम को उठाकर कि जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो रसूल ख़ुदा ने अमिरमीन आल आमाम को आगे किया चाहे वो मसीहों के सामने हो और मैदान के मुकाबले में जाना हो कि जहाँ पर सिर्फ़ जो है अलैहि सलाम थे रसूल ख़ुदा के साथ जनाब फ़ातिम जहरा और जनाब हसनैन आलम थे अगर हम यहाँ पर खैबर का मैदान देखें उहद को देखें जंग अ, हम देखें अ, दूसरी जंगों को देखें जंग बद्र को देखें मख्तलि जंगों में तो हमें अमीरमुमअमीनी सर फ़हरस नज़र आते हैं बेबाक शुजा के जिन में सिवा खौफ ख़ुदा के कुछ और नहीं हैं और सिर्फ़ एता रसूल खुदा के अंदर अपने आप को पेश करना है अगर मेहराब इबादत में खड़े हो जाएँ तो उनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है कि नकल किया जाता है कि एक रात में हज़ार हज़ार रकत नमाज अदा किया करते थे और एक एक दिन में जो है वो क़ुरान मजीद की तलावत किया करते थे हमसे पूरे महीने में नहीं की जाती है और यहाँ पर हमारे पेशवायान हमारे रहबरान ऐसे थे कि उनका किरदार ऐसा था कि अगर मैदान में चले जाएँ तो उनसे बड़ा कोई फ़ौजी नहीं है उनसे ज़्यादा कोई अस्करी मैदान में तेज़ नहीं है महराब की इबादत में चले जाएँ तो महराब में उन्हें नज़र आएगा उनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है इल्म में आ जाएँ तो उनसे बड़ा कोई नज़र नहीं आता है तकवे के मैदान में आ जाए तो कोई शैतानी हरबा उन्हें ज़ेर नहीं कर सकता है बल्कि नफूस पर ऐसा काबू पाया हुआ है कि जहाँ चाहते हैं वहाँ पर जो है अपने आप को लेकर जाते हैं इसीलिए कहा कि मैंने इस दुनिया को तलाक़ दी और तीन तलाकें दी कि यानी इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना है और यह फरमाया कि जो ये पेबंद लगा जूत पेवंद लगी जो जूती है ये मेरे नज़दीक इस दुनिया से बढ़ है तो ये कमालत एक इंसान कामिल एक परफेक्ट ह्यूमन बींग के जो कमालत होते हैं कि जिसमें आपको वो तमाम रंग इलाही नज़र आते हैं वो जाज़बा वो दाफ़िआ कि जो परवरदिगार ने एक इंसान कामिल में रखता है रखा रख, चाहा है वो तमाम के तमाम हमें अलैहिस्सलाम की ज़ात में नज़र आते हैं मुफ्ती साहब हिजरत की शब जहन में लाइए दुश्मनान दीन और दुश्मनान रसूल के बाहर हैं कतल करने का इरादा है हजरत अली वजह से क्या फरमाया जा रहा है कि अली अमानत वापस करना और मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ और हजरत अली जो फरमाते हैं मुझे ऐसी मीठी नींद कभी आई नहीं तलवारों के सय में रह रसोल करीबा शब हजरत आप सल्ह ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलया और अमानत सपर्द करवाईं यहाँ पहले तो रसूल अल्लाह वसम के हवाले से ये नुत भी अजीब व गरीब किसी सवान नगार ने बड़ी ख़ूबसूरत बात लिखी बाहर जैसा कि आपने कहा तलवारों का साया दुश्मन खड़े हैं ये दुनिया ने चश्मे फलक ने एक अजीब ही दुश्मन देखा कि सारे के सारे मुहासरा करने वाले बाहर आकर के खड़े हुए हैं और जिसके के कत्ल का नवज़ बिल्ला वो इरादा करते हैं ख़ुद उन्हीं की अमानतें उसी के हवाले करके रखी हुई हैं अरे कोई दुनिया में ऐसा भी किसी का दुश्मन हुआ अशरफियों के ढेर तो तुमने उसके पास रखे हुए हैं दौलत की अमानतें तो तुमने उसके पास रखी हुई हैं ऐसा भी कुछ चश्मे पलक ने दुश्मन फिर यहाँ शब हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद देखिए हजरत अली करम अल्लाह जू पर क्या एतमाद की वो बुलंदी थी क्या आपने हजरत अली रजी अल्लाह को अपने बिस्तर पर सुलाया और जिम्मेदार और निगरान मुकर लास्तर पर अरे ये जान जाती है, तो के इस, इस नींद पर तो दुनिया की सारी की सारी दौलत कुरबान है आपने शुरू के अंदर अली रजियाल्लावाले से बात की चूंकि शबी हिजरत सवाल फरमा लिया तो मैं वहां से बात शुरू करना चाह रहा हूं कुरने करीम के अंदर अल्लाह तयत सुरहदा के अंदर उतारी है इन नामा वरीजी अहादीस के मुताबिक कई सारे मुफसरीन कराम ने यह कौल इख्तियार ये आयत हजरत अली रजियाल तक उतरी है क्योंकि इस आयत के अंदर अल्लाह तखिर में यह फ़रमाया शुरू के अंदर आप सल्ला तारा ने यह फरमाया कि तुम्हारा वली तुम्हारा वारिस और तुम्हारा दोस्त दर हकीकत अल्लाह है और रसूल है और वो अफराध जो नमाज कायम करते और जकत देते हैं मगर इस हालत में के वो रुकू के अंदर होते हैं पस मंजर इस आयत का हज़रत मुबसरीन ने यह बयान किया कि दर हकीकत हजरत अली रजियाल्ला नफर नमाज अदा कर रहे हैं एक साइल आया शुजात के तो क्या कहने जैसा कि आपने शुरू के अंदर बात कही एक साइल ने आकर के आवाज लगाई हजरत अली से ये सोचा कि मैं शायद नफल नमाज मुकम्मल करूंगा ये बेचारा मत चला ना जाए और फिर मैं कह से कहां से किस तरह से उसको तलाश करता रहूंगा कीमती अंगूठी उसी वक्त अपने उंगली मुबारक से उतारी और उस साइल को जा करके दी ये अदाए सी कि अल्लाह तला फरमाते हैं वो लोग दर हकीकत तुम्हारे दोस्त बनाए जाने के लायक है जो इस हाल में भी सदका देते हैं जबकि वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हुआ करते हैं तो ये कुरने करीम की आयत में अल्लाह वली कहा कह रहा है को फिर आपने इलम की बात की जैसा कि परिंदा अपने बच्चों को चोग देता है तो मेरे हलक में मेरे मुंह में आप सलम ने इस तरीके से इलम अता यहाँ एक नुकता है बड़ा काबिल एक शारीस ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी तमाम जानदार अपनी औलादों और बच्चों को गजा दिया करते हैं मगर चोग वो होती है जब परिंदे की माँ परिंदे का बाप वो बाहर से गिजा हासिल करते हैं और मिलो अन वो गिजा अपने बच्चे को दे दे इसको कहते हैं चोग देना वही आती थी, थी अल्लाह से रसूलुल्लाह वसल्लम के पास और उसी तरह से उस वही एक बात की कजावत के हवाले से आज चौदह सौ साल गुजर गए हर खुतबे के अंदर खतीब जब जुमे का खुतबा देता है तो अली के बारे में जो सिफत जिक्र की जाती है अक

बस फर्क तो, नबूवत फर्कूबत है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा अल्लाह सुबह सुबह ये इल्म और हिकमत अगर फूटता है ऐसा महसूस होता है लाजिम मलजूम है अली सरतापा एक मुफस्सर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है अनीक साहब मुझे बड़ा मजा आया ये बात पढ़ करके मसहाफे कुरानी को देखोगे तो वो है सामित लेकिन अगर अली को देखोगे तो कुरान नातिक है गोया अल्लाह की जमीन पर चलता फिरता बोलता हुआ कुरान करीम अगर घूम रहा है तो वह हजरत अली रजी अल्लाह मन सर रहूर कुरान फल फलिब ने अभी तालिब। अगर बोलते हुए कुरान को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहते हो तो हजरत अली की तरफ नजर कर लो सर से लेकर के पैर तक उनके अखलाक उनकी सिफात हासना उनकी शजात और आपको एक अजीब बात बताऊं शुजात लोग बड़ा जिक्र करते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है अखलाक की बुलंदी और बहादरी और शुजात को जमा करने ये बहुत मुश्किल काम जो बहादुर होता है आमतौर पर मुश्किल क्या पेश आती है मेरे और आपके हमारे जमाने के अंदर जो आदमी जरी और सुझाव का बदखलाक भी हो जाता है हमारे यहां तो मुसीबत ये लेकिन ऐसे अजीब जो सिफात रसूल वसल्लम में अल्लाह ताला ने जमा फरमा दी उन्हीं का परतों और वही खोशा चीनी और वही रंग फिर हमें नजर आता है रजी ताला अंदर इसी वास्ते तो आप सल्ला ऐसे महसूस होता है मौला का जो लफ्ज है ये कर्न करीम से चला इन वलीजु कुम्लासूल वहां पर भी वलीज का लफ्ज मुस्सनद अहमद की रवायत के अंदर वो हदीस जो आपने बयान फरमाई के मन कु जु मौला यहां पर भी मौला का लफ्ज फिर वहां पर भी फिर यहां पर बात खत्म नहीं मजलिस सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके दुआ फरमाते हैं अल्लाह वाली मन वाला व आदि मन आदा अल्लाह उससे दोस्ती और मोहब्बत फरमाए जिससे अली मोहब्बत और दोस्ती फरमाए अल्लाह उससे आप दुश्मनी फरमाइए जो अली से दुश्मनी करता हो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर तो ऐसे महसूस होता है कि ये तो जज्बे ईमान है हज़रतली रजी अल्लाह पर अगर हम मोहब्बत में इश्क में अकीदत में अगर, अगर अपने दिल दिमाग के किसी गोशे में कोई कमी महसूस करेंगे तो हमारे तो ईमान के शलब होने का खतरा है हजरत अली रजी अल्लाह तैन हिस्सा ईमान जज्व ईमान फिर वो अजीब व गरीब अजीम अजीमान जलील कदर साहबी जिसकी जिंदगी में इम्तियाजा ही इम्तियाजा है खैबर का अलामा ने किया। आप हैरान होंगे जिस वक्त हजरत जाफर रजियाल मदीना मुनवरा के अंदर तशरीफ लाए हजरत हबशा से वापसी पे हजरत जाफर आ रहे हैं और उधर से खैबर की फतह हजरत अली रजियाल्ला के हाथों आप सल्हम ने बुखारी की रिवायत मेंफ्ज इस्तेमाल फरमाया फरमाते हैं अनला बेअम अशद फरहन बेकदूम जाफर खैबर मुझे पता नहीं है कि मैं आज इतना ज्यादा खुश क्यों पता नहीं मैं जाफर के आने से खुश हूं यह हजरत अली के खैबर के मार्के से आज मैं खुश हूं मुझे इतनी खुशी हासिल हो रही है कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं किस बुनियाद पर आज खुश हूं तो आप देखिए अगर जाफ़र की आमद से खुश हो रहे हैं तो वो भी तो हजरत अली रजी अल्लाह तुम के भाई ये पूरे का पूरा अजीब वरीब खान वादा है ये जो कहा गया इम खान आफ्ताब अस्त इसका अगर पहले नंबर कोई मिशाक है तो जी जी लाहौर से जनाब डॉक्टर साहब फरमाइए क्या सवाल सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के पेश करने पर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बस अल्लाह कबुलरमाए अल्लाह तौफ़ी में इजाफा फरमाए और आपकी बसीर तफरो प्रोग्रामों को मजीद तरक्की और रौनक थारमाए कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था जी। उसके हवाले देना चाहता हूँ चौतीस के जैल में गुफ्तु हो रही थी अच्छा तो उसमें जो आपकी मेहमान आलिमा थी जी जी उन्होंने तो एक वाक्य पेश किया एक, वा, एक वाक्य बयान किया अच्छा जो वाकया उन्होंने शायद कोर्ट करने में उनसे कोई सहव हो गया या क्या हो गया आप वो जो वो जो उन्होंने हजरत बिन के बारे में बताया वो वाक बुनियादी तौर पर हजरत इमाम सलाम के बारे में है अच्छा और वो वाक इस तरह से है कि आपकी एक कनीज आपको वजू कराने के लिए आपके ऊपर पानी डाल रही थी तो तफसर अच्छा। मजमूर बयान तस्वीरें अच्छा। और तस्कलैन अच्छा। इन तफसरों में किसी आयत के में यह लिखा हुआ है ठीक है की जब वो कनीज के हाथ से आपको वजू कराते हुए कूजर गिर गया तो आपके सर पे लगे जिससे आपके सर अदस में चोट आ गई ठीक तो आपने उस कनीज की तरफ देखा ठीक तो जैसे आप फौरन ये आयत पढ़ी बल्कि तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद कजम तो गई थी मैंने अपना वसपी लिया ठीक है बिल्कुल सक... ने फिर कहा हुँ. वल्ला आफिना عن النور तो आपने फिर फरमाया कि कद अफलाह عنك ठीक अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया यानी मैंने तुझे माफ कर दिया अल्लाह ने भी तुझे माफ कर दिया हुँ. तो फिर उस कनीज ने कहा वल्लाह तो इमाम ने फरमाया ए हबी जाओ अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की के लिए तुम आजाद, हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया ठीक है अच्छा ठीक, ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए प्रोग्राम हो रहा है हमारा और आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को आज शहादत हजरत अली करम्ला आप इस तलुक से कोई सवाल कोई बात कोई कमेंट कोई कोई एहसास कोई कोई हजरत अली करमल वजह की शख्सियत आज हमें यानी किस तरह से हम इस्तेमाल करें आपकी शख्सियत से कि हमारे मसाइल हल हों हमारी जिंदगी में अमीन अली जो किरदार हैलू अमीर, है, पाया जाता है जो किसी और के में नहीं पाया जाता वो है अपोजिशन लीडर का किरदार में है आप हमेशा मुस्लिम के थे। उसके उसके बाद जो पहले तीन खलाफा का दौर है उसमें हम एक और तामी अपोजिशन का रोल अदा किया है तो अमीर ने तरह से बहसी अच्छा तो के एक मुस्बत किरदार अदा किया है जैसे एक खलीफा के तौर पर आपने इंतराइन नुमा और मुस्बत किरदार अदा किया है इसी तरह से अपोजीशन लीडर के तौर पर भी

और अल्लाह के नबी के मिशन को पूरा करने वाले और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा इल्म अता फरमाया फिर वो इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की तरफ मुंतकिल फरमा रहे हैं एक तारीखी और एक अहम हकीकत है जो हमें अपने तौर पर उसका ख्याल रखना चाहिए मैं समझूंगा आप भी इससे इतफाक़ करेंगे ये जो आज के हमारे अदवार के अंदर जो सियासत के मुख्तलिफ अलकाब ईजाद हो चुके हैं और हमारे अदवार के अंदर बाज ऐसी चीज़ें जो जमहूरी सियासत के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर जो बाज़े ईजाद हो चुके हैं इन अहदों और इन अलकाब को इस्लाम की इन मुकद्दस शख्सियात पर हमें चस्पा करने से एहतराज करना चाहिए मसलन मैं आपको कहूँ किसी भी सहाबी को यह कह दिया जाए कि जी वो फला मिनिस्टर थे वो पीएम साहब थे या ये कह दिया जाए कि जी वो प्रेसिडेंट साहब थे या ये कह दिया जाए नौजबिल्ला किसी नबी को वो डिक्टेटर थे या किसी के के सहाबी के बारे तो ये अल्फाज और ये अलकाब इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उसकी एक वजह है जैसे कि अब अगर अपोजिशन लीडर का हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आ, तो उसमें आज के तस्वर मिल जाएंगे हम तो कहते हैं हजरत अली तो माविन में से मुशीरों में से वजीरों में से मोहसिन में से हैं और किरदार और मिशन को मुकम्मल करने वाले आप देखिए और न्याजमंदी वाला के दरमियान तल हम तो ये कहते हैं कि रसूल के मिशन को हजरत अली ने पूरा किया रसूल हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत ऊसमान गनी के मिशन को हजरत अली ने पूरा किया और हजरत उमर के अल्फाजे हैं अगर लोग हजरत अली को अपना इमाम और अपना रहबर बना लेंगे लोग कामयाब हो जाएंगे तो इन हजरात के दरमियान में ऐसी मोहब्बतें ऐसा प्यार ऐसा उनस और हमें भी उसी उन्स और प्यार का इजहार करना है और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें ये जो लैंग्वेज uh, है इस अंदाज की वो इख्तियार नहीं, करनी, नहीं चाहिए। करनी चाहिए ये टर्मिनोलॉजीज आज के जमाने की हैं हाँ। अपोजिशन लीडर वगैरह हाँ। ये आप इस... किसी को डिक्टेटर कहना शुरू कर दे हाँ, किसी इस को आमिर कहना शुरू ये कर ये दे बड़ी शख्सियत ये इनसे बाला जी बाला शख्सियत बाला शख्सियत जी कुछ कॉल दे लेते हैं मजीद अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला क्या सवाल सर जी एक छोटा सा मसला है हजरत योम अली चुके हैं इससे मिलता जुलता सवाल मेरे मैंने ये पूछना था कि ये अलामा साहब बैठे हुए हैं आपके पास जी जी सर ये अलामा साहब से ये सवाल पूछना था कि आजकल जी एक चीज बड़ी शदोमत से फैलाई जा रही है जी जनाब वैसे तो कहना नहीं चाहिए इख्तलाफ की बात है मगर के, को जो किया गया वो के, अच्छा, के मैं आपकी, कर... अच्छा, आपकी खेत करूँ और ये अच्छा हुआ सी आर ने यह कॉल काट दी मैंने आगाज में एक बात यह अर्ज नहीं की थी मैं भूल गया था क्योंकि मैं टॉपिक में इन्वॉल्व ज्यादा हो गया था मेरी एक बड़ी दस बस्ता गुजारिश है हम यहाँ मोहब्बतों के लिए अखुवत के लिए अपनाइय के लिए एक जान होने के लिए बैठे हुए हैं इख्तलाफी मसाइल ना बयान करें

अल्लाह साहब मैं चाहता हूँ फ़जाइल पर दोबारा आप बात करें आप बहुत अच्छी गुफ्तगु फरमा रहे थे बसमल रहीम मैं चाहूँगा कि आपकी गुफ्तु दौरान एक आया था कि अमीर उमिन का और कुरान का क्या तह मैं चाहता हूँ कि नहजुलबलगा में से जो अलामा सैद रज़ी आकाम किताब का मजमू जिससे अमीराम के खुदबात हैं और रसाइल हैं उसके अंदर ख़त मौजूद हैं और कलमातर्री मौजूद हैं उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ जुमलात वहाँ से बयान करें ताकि मालूम हो कि किस तरह से ये आ, 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 इलाही अफराद किस तरह से माशरे की असलाह के लिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से एक पॉजिटिव किरदार आगे देते हैं इससे बेगरज होते हुए कि मारूजी हालात क्या हैं अपने मिशन को यानि बनी इंसान को तारीखियों से निकाल कर रोशनीों की तरफ ले जाना गुमराहियों से निकाल कर हिदायत की तरफ़ ले जाना ये तमाम इलाही अफराद का जो अम्बिया और आयमा आयुमसम आए जो अलिया ख़ुदा उनका एक मिशन ये था कि किसी तरह से लोगों को परवरदगार के नज़दीक किया जाए सुबह सुबह हम अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अमीराम के खुदबात में से खुतबा है उसमें इमाम फ़रमाते हैं हुआ नास हुआ नास हुआ अच्छा साहब मुझे बताया जा रहा है कि लाहौर में अजान फजर का वक्त हुआ चाहता है क्योंकि ये खुतबा तवील है मैं चाहता हूँ कि पूरा वक्त भरपूर वक्त आपको दूँ तो हम चलते हैं लाहौर और वापस आएंगे खुतिनत इस ब्रेक में अजान फजर लाहौर भी हम सुनेंगे उसके बाद साहब से ये खुतबा सुनेंगे हजरत अली करमल वजह का आते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक खवातिन हजरात रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद आज इक्कीस रमज़ान खूसी प्रोग्राम शहादत हजरत अली करमल्ला वजहों पर हम पेश कर रहे हैं हमारे माजुज़ मेहमान मोहतरम अलामा अजगर हुसैन शहीदी साहब और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तफीली गुफगू हो रही है खवतिनत इससे पहले कि मैं अगला सवाल रखूँ वोइज़ आज का सवाल मैं आपके सामने दोहराता हूँ और आज शाम पाँच बजे तक आपकी एंट्रीज आएंगी वो शामिल की जाएंगी कंप्यूटर की कुरानदाजी में आज का सवाल यह है कि हज़रत अली करम्ला वजह की शहादत रमज़ान के किस अशरे में हुई हजरत अली करमल्ला वजह की शहादत रमज़ान के किस अशरे में हुई पहले अशरे में दूसरे अशरे में या तीसरे अशरे में आप जवाब रवाना करते हैं जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू एट जीरो सिक्स वन पर और जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन पर हमारा ई मेल एड्रेस है आर आर एट दुनिया टी वी डॉट टी वी और आप हमें एस एम एस कर सकते हैं अपना दुरुस्त ऑप्शन आर आर लिखें ऑप्शन लिखें सही अपना और थ्री जीरो थ्री वन पर रवाना कर दें खातिन वजरात रोजाना शाम को छः बजकर तीन मिनट पर कुरानदाजी होती है और हम तीन तोहफे पेश करते हैं आपकी खिदमत में किसी एक शख्स की किताबों का सेट पहला तोहफ़ा दूसरा तोहा डिजिटल कुरान करीम और तीसरा तोहा उम्र का टिकट पैकेज के साथ हाजजी और दुनिया टीवी के ताउन से अना हाजी का यह कहना है कि अब उम्र हर शख्स की दस्तरस में आप अना हाजी की वेबसाइट पर जाइए तमाम तफसी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर जाने का एड्रेस है डब्ल्यू 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 डॉट अना हाजी ए एन एच ए जे आई डॉट कॉम खात हजरात जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि हजरत अली कमल वजह की शहादत के हवाले से ये खूबी प्रोग्राम आपकी कॉल्स आ रही हैं सवाल आ रहे हैं मेरी एक दरख्वास्त है और मेरी एक ख्वाहिश है कि जो लोग कॉल्स कर रहे हैं वो जहन में ये रखें और हमें बताएं, हमें मशवरा दें और इस माशरे के सुधार के लिए ये बात करें कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ख़ास तौर पर हज़रत अली से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं किरदार को पेश नज़र रख कर आज हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा आपकी सीरत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ख़वातीन हजरात शजात जकावत सखावत ख़वातीन हजरात कजावत कौन सा पहलू है जो आपकी शख्सियत में पिना नहीं हजरत अली करमल जो इतिहाद की बात करते रहे जगानगत की बात करते रहे मिलाप की बात करते रहे उम्मत मुसलिमा को यकजा देखना आपकी ख्वाहिश थी खवतिन हजरात सवाल ऐसे करें और इजहार जज्बों का ऐसे करें जिससे उम्मत करीब आती हो। कुछ कॉज लेते हैं और उसके बाद हम जनाबी साहब आपकी महफिल में सवाल के हवाले से। तो पूरे रमजान शामिल रहे हैं जी 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 आज सिर्फ एक जुमला की सफर के हवाले से कहकर अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ सिर्फ आज के प्रोग्राम मैं तारीख इस्लाम के हवाले से नहीं मुसलमानों की तारीख के हवाले से नहीं मैं पूरी तारीख इंसानी के हवाले से बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रही हूँ कि कहीं आपको पूरी तारीख इंसानी में अगर ऐसा शख्स नजर आए जो बेहत वक्त इतना शुजा हो इतना शुजा हो कि पूरे एक किले को अपने हाथों पर उठा ले

तो आप कहेंगे कि वाकई दुनिया को तलाक सही दी गई और आपका दिल चाहेगा कि आप दुनिया को छोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल बिल कहना नहीं, नजर आता जी जो बैक हो, जबरो की आपको जी जी हाँ, और वो खातून वो बहुत किताब चाहे पतला पतला सा किताब चाहे अली और इसे जरूर पढ़ना चाहिए हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए अल्लाह साहब को पढ़ना चाहिए की इंसान ठीक बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपका ये है अली से मोहब्बत का इजहार ये है अम्मा साहब ब्रेक से कबल आप एक खुदबा इर्शाद फरमा रहे थे जी रहीम रहा मजीद के जो बारे में जो अहमियत के बारे में है और किस तरह से कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों में इंसान को अमली तौर के ऊपर शामिल करना चाहिए उसकी अहमियत के बारे में इमाम सलाम अपने इस खुदबे फरमाते हैं ये ख़ुत नंबर वन सेवेंटी सिक्स है मुमकिन है कि उर्दू के तर्जुमे किताब में एक ख़ुतबा आगे पीछे हो बाज़ दफ़्फ़े इस तरह से इमाम फरमाते हैं वालमन्नादल क़ुरान जान लो यकीन कर लो इस बात पर कि यह कुरआन जो है एक ऐसा नसीहत करने वाला है कि जिसकी नसीहत में कोई मिलावट नहीं होती है ये एक ऐसा हिदायत करने वाला है कि चबी गुमराही की तरफ नहीं लेकर जाता है एक ऐसी गुफ्तू करने वाला है कि कभी झूठ नहीं बोलता है ये और कोई शख्स भी जो कुरान के साथ बैठेगा उसमें या तो किसी चीज़ की इजाफा हो जाएगा या किसी चीज़ की कमी हो जाएगी उसकी हिदायत में इजाफा हो जाएगा और उसकी गुमराही में कमी वाक़ हो जाएगी यानी इमाम सलाम इस बात के बारे में यकीन से बरार कर रहे हैं कि देखो कुरान मजीद के साथ जब तुम महशूर रहोगे कुरानِ मजीद को तुम अपनी जिंदगी में लेकर आओगे तो उसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है इसलिए कि दुनिया के जो लीडर्स होते हैं रहबर होते हैं वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं मफाद परस्ती की बात करते हैं कुरान इंसान के फ़ायदे की बात करते हैं सुबह सुबह उससे ऐसी गुफग करता है हम दोस्तों के महफिलों में बैठते हैं वहां पर सच और झूठ और सब चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन कुरान मजीद एक ऐसा दोस्त है कि अगर इंसान उसके साथ बैठे तो कभी भी वो झूठ नहीं बोलता और अपने साथ सिर्फ सच्चाई और हकीकत को लेकर आता है इमाम फरमाते हैं वालमूसन बदल कुरान फ़ा इमाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद अगर किसी के पास हो तो फिर उसके बाद उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है वह दिन कबल क़ुरआन मिन गा और किसी को भी क़ुरान मजीद के बगैर कोई मुस्तगनी नहीं हो सकता है। यानी अगर इंसान ये चाहता है और आज की इंसानियत ये चाहती है कि वो कामयाब हो कामरान हो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आख़रत में भी वो कामयाब हो तो उसके लिए लाजिम और मलजूम है कि अपने आप को कुरान के ऊपर और कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। इमाम यहाँ आगे चल के फरमाते हैं फस्तश वस्तअन बला इमाम फरमाते हैं कि अपने तमाम चीज़ों की तमाम अमराज जो इंसान के रूहानी अमराज हैं कि जिसके अंदर झूठ गिबत धोखा हसद बेमानी जिसे कहते हैं कि बुराइयाँ मुख्तिक इसका शिफा कहाँ से हासिल होगा कि जब कुर मजीद के साथ इंसान अपने आप को मतमस्क करेगा महसूर करेगा तो वहाँ से तमाम चीज़ों को इंसान हासिल कर लेगा हम बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं सियासी अख्तसादी तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी तमाम स्ट्रैटीज के अंदर शामिल नहीं होता है आप इस्लाम नहीं होती आपने शिफा की बात की ये खुदबा रहेगा जारी यहाँ पर मुझे ये आयत याद आई कि कुर करीम में अल्लाह ताला इर्शाद फरमाता है ये कुरान नाजिल हुआ मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है ख़वान हजरात हमें जाना है ब्रेक की जानेब आज एक खास प्रोग्राम है हम अपनी मोहब्बत अपनी अकीदत अपने जज्बा का इजहार कर रहे हैं हज़रतली करमलब जोश मोहब्बत खवतिन हजरात वो एक कॉलर ने भी कॉल की थी खातून ने हज़रतली शी मिसाल नहीं मिलती और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा तारीख इंसानी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती लेकिन हजरत अली करमलो जब मस्जिद में है उन्नीस रमजान ज़रबत, जब जरब लगती है तो आपकी जबान पर एक जुमला फुसत क़ाबा, रबा क़ाबा की कसम मैं कामयाब हो गया हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आने के वेलकम बैक खवातिन रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद तशीफ फरमाए मोहतरमा अज़र हुसैन शहीदी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज बात हो रही है अली की शहादत के हवाले से खसूस प्रोग्राम पेश कर रहे हैं हम आपकी खिदमत में ब्रेक पर जाने से कबल मैंने एक कॉल एक जुमला जो हज़रतली करमल वजह की ज़बान मुबारक से अदा हुआ जब आप पर वार हुआ ज़रब लगी आप पर तो आपने फरमाया कि फुसतो बे रबा रबा की कसम में कामयाब हो गया ख़वातिन हजरात शहादत तसफ़ का नहीं तलब का मकाम है ये बात भी जहन में आती है हजरत अली करमलाजो के बहुत सारे अकबाल में आज पढ़ रहा था और मैं सर ढूंढ रहा था आज मैंने ये भी पढ़ा कि हज़रत अली वजह फरमाते हैं सुबह के सितारे से मुखातिब हैं कि अय सुबह के सितारे तू गवा रहना तो कभी अली को सोता हुआ नहीं पाया खातर हजरत अली वजह फरमाते हैं कि बेहतरीन आदमी वह है कि जिसके आमाल बेहतरीन है वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं या यो लजीन आमनू लिमा तक माला तफलून कुरान करीम इरशाद फरमाता है खुतिन जहां बात रुकी थी वहीं से बात आगे चलेगी अल्लाह साहब आप खुद बर्शाद फरमा रहे हैं हमारे अमीराम का मख्तल खुदबात के अंदर कुरान मजीद के बारे में कि कुर मजदूँ के लिए फ्कहा के लिए ममिन के लिए एक बहार की मानंद है यानी हम जो अपने माशरे में अपने वजूद में जिस कमी को हम देखते हैं वो ये दो कमी है कि जिसके लिए रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जिस बात को छोड़ के गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रा कदर कीमत चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ एक कुरान और दूसरी मेरे इतरत अहल बैद अगर हम इन दोनों से मुनसलिक मतमसक हों तो क़ुरान फहमी भी हमें समझ में आएगी और क़ुरान की तलीमत हमारे वजूद में रच बस जाएँगी आज जो हमें इहतात और पस्ती नज़र आती है इंसानी पस्ती नज़र आती है इस कायन के अंदर इस दुनिया के अंदर कि अफराद एक दूसरे के ऊपर जिसे कह रहे हैं कि मारने पर तुले हुए हैं और जाने ज़ाया कर रहे हैं उसकी वजह यही है इमाम आसलम इस खुतबे के आगे चल के फरमाते हैं इन ताकीदात के बाद आगे जा फरमाते हैं मल तुमन थन नहाय वाल इस्तकाम इस्तकाम इमाम फरमाते हैं कि अमल करो नहीं नहीं। अमल करो अपनी मंजिल आखिरी नहाय मंजिल तक तुम जाओ आखिरी हद तक को पहचानो लेकिन इस्तकामत जरूरी है इस्तकामत डटे रहो जमे रहो मुश्किल आएंगी परेशानियाँ आएंगी इनहराफात आएंगे शैतान उस रास्ते पर बैठा उसने परवरदिगार से कहा मैं तेरे रास्ते पर बैठ कर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा सिवाय जो मुखलसीन होंगे यानी जो अफराज इस्तेकामत करेंगे डटे रहेंगे जमे रहेंगे और फिर बर्दाश्त करो तहमुल करो सीखो वलवरावरा और तकवा हासिल करो यानी इंसान अपने आप को परवरदि से नजदीक रब तक नहीं लेकर जाएगा कोई फायदा नहीं है इन अल्फाज के जखीरों का और तमाम जिसे कहते हैं कि उलूम का कोई फायदा नहीं है अगर वो उलूम वो तमाम मार्फत इंसान को परवरदगार से नजदीक ना करे तमाम अंबिया का तमाम आय अल्लाम का हम हम्म गम यह था कि बनी न को कमाल इंसानियत पर ले जाए राज इंसानियत पर ले जाए और अगर यह ना हो तो यह आगे नहीं बढ़ सकता और अब को अबूत से मिलाए हैं बिल्कुल यहां पर लेकर दो चीजें आती हैं कि इंसान समझता है कि सिर्फ इंसान माशरा माशरा अपनी जगह अहम है कि उसकी असलाह होनी चाहिए और एक इस्लामी माशरे की तरफ एक असला हमें जाना चाहिए एक ऐसा माशरा जिसमें अदालत इलाही का तस्वुर मौजूद हो लेकिन यह मुमकिन इसके साथ साथ हो, जब होगा कि जब इंसान अपने के ऊपर भी काबू पाएगा मरतबा यानी वही इंसान कामयाब होगा कि जो इंसान कोशिश करेगा और अपने नफ्स को पाक और ताहिर करेगा तो अमीर ने कुरान की नस्बत जहां पर मुफ्ती साहब ने भी फरमाया था कि आमिर आमिरन कुरान नातिक थे सिर्फ ये नहीं है कि खुद बे दे दिए और आ, खुद अमल ना करते हो बल्कि खुद पेकर कुरान थे मुजसम कुरान अल्ला थे अल्ला अल्ला उनका उठना बैठना सोना खाना पीना उनकी मोहब्बतें उनकी दुश्मनियां उनकी जंगें उनकी सलाह तमाम के तमाम लाती हैं परवरदिगार के लिए थी यानी कहीं पर उन्होंने यानी आप ये देखिए अभी अगर आप ये देखिए सिर्फ एक मिसाल में आपको पेश करते चलें कि जब मरहब को पेशाड़ा क्या था इंसान जब एक फौजी होता है जंग के मैदान में होता है जोश गलबा सब उस पर हावी होता है कोई चीज रुकावट नहीं थी कि उसका सर कलम कर दें लेकिन जब उसने अपना दहन फेंका सूरत मुबारक के ऊपर फौरन छोड़ छोड़ दिया। दिया? इतने मुश्किल से में आया था, था, आपने छोड़ दिया। कहा कि मुझे अपना अपना गुस्सा गुस्सा आ गया था। मैं के लिए काम कर कर रहा इसमें शामिल नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हजरत अली का जो कुरान करीम के हवाले से जो बयान है और जो उनकी हदायत है उनको वाजे किया मैं यहाँ पर दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा अनेक एक तो ये के हजरत अली का जो जब उनको जरब लगी क्योंकि उनकी शहादत का दिन है तो जो एक चीज जो बहुत इंस्पायरिंग नजर आती है उनकी लाइफ में वो ये कि आम तौर पर ऐसे वक्त में जब इंसान पर कोई अचानक हमला हो तो उसके मुंह से जो जुमले निकलते हैं वो खुद उसकी अपनी नफ्सियात को और उसकी इंस्पिरेशन को आ, जाहिर करते हैं। तो हजरत अली ने ऐसे मौके पर जो जुमला कहा का, तो का मैं यहाँ पर नहजुलबलागा से कुरान करीम के हवाले से जो हजरत अली का एक खुतबा है मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वो बयान करना चाहूंगा हजरत अली ने फरमाया कि जान लो कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो धोखा नहीं देता और ऐसा हिदायत करने वाला है जो गुमराह नहीं करता और ऐसा कायल है जो झूठ नहीं बोलता कोई भी कुरान का हमनशीन नहीं हो सकता मगर ये कि उसके इल्म में इजाफा और दिल की तारीकी और गुमराही में कमी हो तो, तो, तो हाँ कुरान करीम के हवाले से और

परवरदिगार ने बख्शा तो मेरी भी कॉल मिल गई है जी जी तो यहाँ मैं हुजूर की एक हदीस कोड करना चाहूंगा जी जो हजरत अली अलैहि सलाम के मुतलक हुजूर ने इरशाद फरमाई है तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अली मैं वजह तखलीक कायनात हूँ परवरदिगार ने कायनात मेरे लिए तखलीक की मेरी वजह से तखलीक की लेकिन तुम्हें चार फजीलतें ने ऐसी अनायत कर दी है जो मुझको दीता नहीं थी अच्छा वो सबसे पहली ये है कि तुम्हें परवरदार ने अपने घर में काबा में पैदा किया ठीक ये दूसरी फजीलत जो अली ने तुम्हें अल्लाह पाक ने आपको दी है वो ये है कि आपको मेरे जैसा खुले खुदा सुसर अनायत फरमाया है ठीक तीसरी जो जीलतार ने आपको इनायत फरमाई वो फातिमा जैसी कायनात में इसकी मिसाल नहीं मिलती और चौथी फजीलत जो सबसे बड़ी है वो हसन और हसैन जैसे दो साहब आपको ने नेनायत फरमा दी है तो ये हजरत इस्लाम की फ़द, के जी बहुत अच्छा बहुत अच्छे जी बिल्कुल बड़ा अच्छा कमेंट्स और... आपने दिए अच्छा अगला अगली कॉल लेते हैं वालेकुम वालेकुम जी जनाबे वाला अनिल भाई इमरान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से जनाबे वाला क्या सवाल मा, माशा प्रोग्राम तो आपका बहुत शानदार हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना अलहमदुल्ला Uh, मेरी अर्ज ये थी कि रिश्वत के बारे में तीन चार दिन पहले आपने सवाल हुआ था देने वाला और लेने वाला दोनों जानो तो में जो रिश्वत मतलब जिस क्राइटेरिया में हम जिस सर्कल में रह रहे हैं जितना हम रिश्वत देते हैं मसला ये है कि उसके सौ रुपए दिए बगैर एक पैसा भी आगे नहीं जा सकता जी अब हम कितने कारोबार बदले कौन सा कारोबार करें कितने हम इस बुराई से बच सके

आज आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा आज है हजरत अली का मल वजह से मोहब्बत का ये प्रोग्राम आप बताइए कोई सवाल इस ताल्लुक से इस मौजूद की मुनासिबत से हजरत अली का ऐसा कॉल बता दें कि हमारे मुल्क में कुछ सुकून हो जाए कुछ ऐसा अमन का माहौल बन जाए कि हम लोग सुकून से निकल सके आ सके हमारे को कोई हिदायत मिल सके बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है हुक्मरानों को हिदायत मिल सके हज़रतली करमल्ला वजह नेक्मरानों को हुक्मरानी के आदाब भी तालीम किए हैं हम जब वापस आएंगे तो हम सब यही सवाल रखेंगे कि अली करमल वजह क्या क्या आदाब तालीम करते हैं हुक्मरानों को बड़े खतूत हैं मालिक अश्तर के नाम भी ख़त है उस पर भी हम बात करेंगे खौते इस वक्त हमें जाना है ब्रेक की जानेब वापस आएँगे सिलसिला कलम जारी रहेगा और आज हम जी भर के बात करेंगे हज़रतली करमल्ला वजह पर छोटा सा ब्रेक वेलकम बैक खवतिन रौनक रमजान में एक बार फिर खुश आमदेद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा तशीफ फरमा है मोहतरम अलामा अजगर हुसैन शहीदी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब खवतन हजरात हमारे पास सात आठ मिनट हैं और हम इसमें चाहते हैं कि दो मौजूद पर बात हो जाए मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वह अकवाल हज़रत अली वजह पर बात करें और मुनाजात पे बात करेंगे अजगर हुसैन शहीदी साहब मुफ्ती साहब देखिए हज़रत अली रजी अल्लाह तैन के बारे में जैसे कि शुरू के अंदर कहा गया इलम के दरवाज़ा है और आप सल्ला वम ने इनके लिए दुआ फरमाई और ख़ुद इम अता फरमाया तो हिकमत और चश्मे तो हजरत अली के वजूद और जिसमें मुबारक से फूटते ही हैजरत अली रजी अल्लाह के अकवाल पर तो आठ या सात मिनट में बात नहीं हो सकती प्रोग्रामों की सीरीज होनी चाहिए हजरत अली रजी तैन का एक कौल गरीब वो है जिसका दोस्त कोई नहीं होता हजरत अली रजी अल्लाह तरमाया कि जब बारिश से कतरे नीचे आते हैं तो बारिश का वही कतरा सांप और सीपी दोनों के मुँह में जाता है मगर सीपी के मुंह में जाकर के मोती बनता है सांप के मुंह में जाकर जहर बनता है तुम कोशिश करो हुक्मरानों की भी बात आई थी तुम कोशिश करो कि जब तुम्हें धरती पर खुदा इख्तियार देवत दे इल्म और ताकत दे तो धरती को दुख ना देना तुम अल्लाह की तरफ से नमतों की इस बारिश के कतरे को लेकर जहर ना बनाना इसलिए कि जिसका जितना जरफ़ और जैसा जर्फ है उसकी वैसी है? तखलीक होती हैजी अल्लाह त ने हुक्मरानों के नाम जो खतूत लिखे हजरत अली रजी अल्लाह तवामुलनाथ से जो ख़ुतबे इरशाद फरमाए उन ख़ुतबों के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तुम बात इर्शाद फरमाई वो भी बड़ी अजीब वरीब एक जगह पर हजरत अली रजी अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत बात इर्शाद फरमाई और यह फरमाया तुम दुनिया में रहो दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे इसलिए कि जब कश्ती पानी के अंदर चलती है तो खूब तैरती है लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो उस कश्ती को डबो दिया करता है दोस्त के बारे में अच्छा दोस्ती का मामला कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने शुरू से कहना और को मुलासूल वहां से वली और मौला कहा जाना शुरू हुआ और फिर आप तो पता चलता है दोस्ती के मैारा जो हजरत अली के अकवाल से फूटते होंगे वो क्या होंगे फरमाया अली फरमाएर ने जब किसी पर भरोसा और एहतम करो तो आखिर वक्त तक करो उसके नतीजे में या तो तुम्हें एक सच्चा दोस्त मुयसर आएगा या एक अच्छा सबक मुयसर आएगा क्या अच्छी बात या तो अच्छा दोस्त तुमको सच्चा दोस्त मिल जाएगा अच्छा। या फिर तुमको एक आला सबक मिल जाएगा कि तुम्हें आइंदा जिंदगी किस तरह से गुजारनी है तो हजरत रज... एक मरतबा खुतबे के वक्त में किसी ने कहा कि आप हमें रसूल सल्लाह के अखलाक बयान कर दो तो हजरत अली रजियाल ने फरमाया अच्छा मैं बयान करता हूँ खुतबे के लिए मेम्बर पर तशरीफ लाया फरमाया कि किरने करीम के अंदर जिस चीज को सबसे छोटा कहा गया है अगर मैं उसको बयान करने लग जाऊं तो इम की कुतुब खान खत्म हो जाए वो बयान नहीं हो सकते और अखलाक नबी के बारे में तो सूरत में ने फरमाया वह वीम तो जिसको खुद खुदा अजीम कह रहा है उसको मैं कैसे बयान कर सकता हूँ तो कहते हैं कि वो जो दरिया को कूजे में बंद करना एक मरतबा घोड़े अकजा अली की बात हुई सबसे अच्छा फैसला करने वाले अली एक मरतबा एक मुफ्तियों के हाँ बड़ा मुश्किल मसला क्या होता है वो, होता है, वो पर के इंतकाल हुआ, ये पर औला ये, ये भतीजे ये भांजे हजरत अली रजी तुव्वत फैसले पर आप कुर्बान जाइए घोड़े पर एक पैर रख चुके एक बूढ़िया ने आकर के पूछा कि फला मामले में मेरा कितना हिस्सा है इतना मुश्किल मसला कई सहाबा के पास जब वो गया तो तीन तीन दिन लगे हैं हजरत इब्ने अब्बास अनुमा हजरत इब्ने रजी अल्लाह अनुमा बड़े बड़े फ़कहा के पास उस वक्त एक पैर को घोड़े की जीन पर रखने तक जितनी मुद्दत थी हजरत अली ने फरमाया जाओ जाकर के तहकीक कर लो तुम्हारा उसके अंदर इतना हिस्सा बनता है जब ने दो दो दिन तहकीक की तो पता चला वही फैसला है जो हजरत अली रजी अल्लाह तरमा करके गए थे तो ये कुत फैसला जिसको आज हर खतीब अपने जुमे के अंदर फिर जिसे अल्लाह के नबी ने असदुल्लाह का लकब दे दिया हो खुदा की जमीन पर चलने वाला इस्लाम का शेर इस्लाम का सिपाही और फिर वो इस्लाम का सिपाही जिसे रसूलुल्लाह वसल्लम बहादुरी और शजाअत की तारीफ करते हुए फरमाते हैं बहादरी और शुजात तो इलम तो था अब बहादुरी और शुजात भी अगर उम्मत में तकसीम हुई है तो दर हकीकत जी हजरत अली का सदका है हजरत हुसैन के बारे में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही वालिद बाबा अली हो नाना नबी हो जमत व शराफत हो तो ऐसी हो सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्लाह सुबहानकवाल पे बात हो रही थी बहुत सारे अकवाल जहन में आते हैं हजरत अली कर्मल वजह के ना कनात खत्म ना होने वाला सरमाया है छोटा सा कॉल। हजरत अली फरमाते हैं कि इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है कि आदमी उस चीज़ की बुराई करे जिसमें वो खुद मुबतला हो ले, ले तारिफ़ कलाम करो ताकि पहचाने जाओ हज़रत अली फरमा रहे हैं अच्छा कलाम से पहले सोच की पाकिजगी के लिए हजरत अली ने फरमाया गुफ्तु से पहले हाँ। सोचों को पाकिजा करो फरमाया कि ये जो सोचे हैं ये बारिश के और समंदर के कतरों जैसे हैं समंदर के कतरों से दरिया और समंदर बनता है पाकिजा सोचों से ईमान बनता है सुबह अल्लाह साहब मुनाजात हज़रत अली फरमा रहे हैं जी शब शहादत है जी दिन हो गया है शहादत का बे सिर्फ जुमला बयान करूँ कि अमीरमीन की ज़ात ऐसी थी कि यहाँ ज़रबत लगी है बिस्तर शहादत पर है जब उनको कोजे में दूध या शरबत लाकर दिया गया एकपर, एकपर, तो पहले कहते हैं कि क्या मेरे जारब को मेरे मारने वाले को भी पिलाया गया है और देखो मैंने रसूल ख़ुदा से सुना है कि कभी भी किसी को मसला नहीं करते पामाल नहीं करते मसलते नहीं हैं अगर मैं मर जाऊँ इस ज़रबत से तो उसे भी एक ही ज़रबत मारना यानी एक एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है एक एक बात का ख्याल रखा जा रहा है कि दुश्मन को उसके साथ कोई ना इंसाफी ना हो ये वो इतना लतीफ तबीयत का इंसान और वो कमाल पे पहुंचने वाला इंसान जब बारगा इलाही में खड़ा होता है तो उसकी मनाजात देखिए मैं सिर्फ चंद जुमला बयान करूँगा इमाम फरमाते हैं दरमियान से बयान कर रहा हूँ मना जाता अमीरमिन को इमाम फरमाते हैं मऊलाई या मऊलाई अनथल मऊला व अनल अब्द

क्या अपने बंदे पर रहम करने वाला सिवाय उसके आका के कोई और हो सकता है मौला या मौलाए अनथल मालिक व अनलमलूक व हल ए मेरे मौला ए मेरे आका तू मालिक है मैं तेरी मिलकियत हूँ क्या अपनी मिल्कियत पर मालिक के अलावा कोई रहम करता है ए मेरे मौकल मौला ए मेरे आका तू अजीज़ है मैं जलील हूँ क्या किसी जलील पर अजीज के अलावा कोई रहम कर सकता है ए मेरे मौला ऐ मेरे आका तू मेरा खालिक है मैं तेरी मखलूक हूँ क्या अपनी मखलूक़ पर खाले के अलावा कोई रहम तो तो कर सकता है मौलाए या मौलाए अनथलम व अनह़ी अय मेरे मौलाए मेरे आका तू अज़ीम है मैं हक़ीर हूँ क्या हक़ीर पर अज़ीम के अलावा कोई रहम कर सकता है अय मेरे मौलाए मेरे आका तू कुदरतमंद है मैं ज़ीफ़ और कमज़ोर हूँ क्या ज़ीफ़ और कमज़ोर पर कवी के अलावा कोई रहम कर सकता है ए ए मेरे मेरे आका तू गनी है मैं फकीर हूँ क्या फकीर पर गनी के अलावा कोई रहम कर सकता है ए मेरे ए मेरे आका तू अता करने वाला है मैं मांगने वाला हूं परवरदगारा क्या तेरे तुझ मांगने वाले पर अता करने के अलावा भी कोई दे सकता है ये मांगने के अयामे परवरदिगार से अपनी मगफरतें हैं गुनाह की Allah. तोबा है अपनी दुआएं मुनाजात हैं परवरदिगार के बार बारगा में मांगे इन हस्तियों का वास्ता देकर मांगे पर खाली हाथ कोई इंसान रसूल करीम की है कि वो इंसान तरीन इंसान है बदकस्मत तरीन है कि जो इस महीने से खाली हाथ निकल जाए है। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनून खातरा हजरत अली करमल वजह की शहादत के हवाले से ये हमने शहर ट्रांसमिशन पेश की इफ्तार में भी हम तफ़ील से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे निकात बहुत सारे मौजूद ऐसे हैं जिन पर बात अभी नहीं हुई एक बहुत अहम बात गवर्नेंस के असूल हजरत अली कमल वह जो ख़त तहरीर कर रहे हैं हजरत मालिक अश्तर को और बता रहे हैं कि देखो गवर्नेंस के असूल क्या होते हैं हुक्मरानी के आदाब क्या होते हैं लीडर्स से मुखातबत हो रही है तफील से बात करेंगे शाम को डॉक्टर मोहसिन नकवी हमारे साथ होंगे और मौलाना मोहम्मद सलफी हमारे साथ होंगे शाम तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त खुदा हाफिज